माय डियर लोको पायलट एस्पायरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मेमोरी टेस्ट ऑफ मेमोरी जो पहला टेस्ट होगा उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन मेमोरी जो पूछा जाएगा उसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा मेमोरी के बारे में जान लेना आवश्यक है, और मैं कुछ ऐसी बेसिक बातें बताऊंगा जिसके आधार पर आप खुद रूल निकाल लेंगे, खुद ट्रिक बना लेंगे चीज़ों को याद करने का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे पहले इस बात की हम लोग चर्चा करते हैं कि मेमोरी क्या है, मेमोरी कैसे काम करती है, और मेमोरी के कौन कौन से फैक्टर हैं, और बेहतर करने के लिए मेमोरी परीक्षण में, मेमोरी टेस्ट में अच्छा करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। मेमोरी में एक्चुअली मेमोरी के तीन फैक्टर होते हैं। पहला है लर्निंग, चीज़ों को याद करना, लर्निंग चीज़ों को याद करना। दूसरा है रिटेंशन, यानी चीज़ों को अपने दिमाग में रिटेन करना यानी याद रखना। और इसके बाद दो प्रोसेस हो जाता है, एक को बोलते हैं रिकॉलिंग, चीज़ों को उस समय याद करना जब वो हमारे सामने नहीं है। मतलब हमने याद कर दिया, दिमाग में रिटेन किया, और उसके बारे में हम फिर से स्मृति में ला रहे हैं जबकि वो चीज़ हमारे सामने नहीं है। उदाहरण के लिए आप एग्ज़ाम होने से पहले चीज़ों को याद करते हैं, और क्लास टेंथ के एग्ज़ाम में आपको चीज़ों को रिकॉल करने के लिए बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर रिकॉलिंग प्रोसेस नहीं होगा, यहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब पहचानना। देखिए साइको टेस्ट में जो भी मेमोरी का प्रश्न पूछा जाता है वो आपको याद करने के लिए दिया जाता है, और उसके बाद उसको बहुत सारे ऑप्शन में मिला दिया जाता है, चार ऑप्शन या पांच ऑप्शन में मिला दिया जाता है, और आपको उसको पहचानना होता है कि जो आपने याद किया था दिए गए ऑप्शन में ये कौन सा चित्र है। तो यहाँ पर रिकॉलिंग नहीं है, रिकॉग्निशन है, चीज़ों को पहचानना है। जैसे आप किसी व्यक्ति को कभी मिलते हैं, स्टेशन पर मिले, उससे बातचीत किए, फिर बाद में अगर उसको अन्य व्यक्तियों के साथ कहीं पर देखते हैं आप, तो उसको आप तुरंत पहचान लेते हैं कि इस व्यक्ति को मैंने पहले भी यहाँ पर कहीं देखा था। ये पहचानना है, उस व्यक्ति को जब देखते हैं तब पहचाने का प्रोसेस शुरू होता है। यानी यहाँ पर तस्वीर को आपको याद करना है, चित्रों को याद करना है, और उसके बाद उन चित्रों को दूसरे चित्रों के बीच में से पहचान लेना है कि यही चित्र हमने देखा था। तो यहाँ पर आपका रिकॉलिंग का टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर आपका टेस्ट होता है रिकॉग्निशन का, यानी आपके पहचानने की क्षमता कितनी तेज है लर्निंग और रिटेंशन के बेसिस पर। रिटेंशन का जांच होता है, बहुत लंबा रिटेंशन नहीं, रिटेंशन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म रिटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट दो मिनट का अगर आपका या तीन मिनट का अगर आपको पहचान करने के लिए तीन मिनट का अगर समय दिया जाता है तो तीन मिनट तो कम से कम रिटेन करना पड़ेगा कुछ चित्रों को, तो दो या तीन मिनट का ही रिटेंशन चेक होता है, लंबे रिटेंशन लॉन्ग रिटेंशन की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती है। तो इस परिस्थिति में पहचानने के लिए ऑप्शन में से पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन कौन से तरीके अपनाने होंगे उसकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं कि मेमोरी क्या है। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्चुअली मैं इस पर वीडियो ऐसा बनाना चाहता हूं जिससे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, जनरल नॉलेज कंपटीशन या संविधान की आर्टिकल्स, वर्ड पावर मतलब सब इंग्लिश के शब्दों के मतलब या स्पेलिंग और उसके मीनिंग को कैसे याद करें, इन सब में काम करें। तो मेमोरी पर ऐसा वीडियो मैं बनाऊंगा जो आपको जनरल नॉलेज या कंपटीशन के किसी भी कंपटीशन की तैयारी में काफ़ी मदद देगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन यहाँ पर आज मैं चर्चा करूँगा सिर्फ उस मेमोरी से संबंधित बातों को जो साइको टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा। तो रिकॉलिंग की हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, रिकॉलिंग की चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में कि चीज़ों को कैसे याद करेंगे और कैसे रिकॉल करेंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि साइको में जो पूछा जाता है और जो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए बोला जाता है उसके लिए हम क्या क्या टेक्निक यूज करेंगे। मेमोरी एक्चुअली टेक्निक ही माना, इस पर भी मनोवैज्ञानिकों में बहुत ज़्यादा विरोध है कि मेमोरी एक मेंटल पावर है या मेमोरी एक प्रोसेस है। एक्चुअली में मेमोरी एक प्रोसेस है या टेक्निक है, और इसको आसानी से आप सीख सकते हैं, टेक्निक किसी को भी सिखाया जा सकता है, और टेक्निक के लिए कुछ बेसिक बातों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं या सुनते हैं या अनुभव करते हैं उसका एक मेमोरी प्रिंट हमारे दिमाग पर बन जाता है, उसको स्मृति चिन्ह बोलते हैं साइकोलॉजी में, या मेमोरी प्रिंट।
और ये मेमोरी प्रिंट जितना गहरा होगा, जितना स्पष्ट होगा, उतनी ही अच्छी तरह से वो बात हमें याद रहेगी। मतलब सारा कुछ इस मेमोरी प्रिंट पर ही निर्भर करने वाला है। मेमोरी प्रिंट कैसा बनता है ये भी बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर इस बोर्ड के ऊपर मैं तीन लाइन खींच दूँ, एक लाइन खींच दूँ चौक से, दूसरा खींच दूँ मार्कर से, और तीसरा लाइन एक नाइफ या चाकू या छुरी लेकर इसके ऊपर लाइन खींच दूँ। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें से कौन लाइन सबसे पहले मिट जाएगी, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे पहले चौक और सबसे लास्ट में वो लाइन चाहे नहीं मिटेगी, जब तक ये बोर्ड है तब तक वो लाइन इस पर खींची हुई रहेगी, जिस लाइन को हम लोग चाकू से खींचेंगे। ठीक इसी तरह से जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं या महसूस करते हैं, हमारे दिमाग पर एक मेमोरी प्रिंट बनता है, और वो मेमोरी प्रिंट भी चौक की तरह बन सकता है, या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, मार्कर की तरह बन सकता है, कुछ दिनों तक हम चीज़ों को याद रख सकते हैं, और चाकू की तरह बनता है जो काफ़ी लंबे समय तक हम याद रखते हैं। मतलब बचपन में पढ़ी हुई क ख ग घ ए बी सी डी 1 2 3 4 ये सारी बातें हम जिंदगी भर याद रखते हैं, यानी उसका स्मृति चिन्ह हमारे दिमाग पर बनता है चाकू की तरह। आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा होगा वो उसकी मैक्सिमम बातों का भूल चुके होंगे, जो हाल फिलहाल आपने पूरा किया है, लेकिन जो आपने क्लास वन में पढ़ा होगा वो आज तक याद है। क्यों? क्योंकि उसका निशान, उसका स्मृति चिन्ह आपके दिमाग में बहुत गहरा बना। और गहरा बनने का कारण क्या है? तो गहरा बनने का कारण है रिपीटेशन। तो रिपीटेशन एक ऐसा तरीका है जो स्मृति चिन्ह को गहरा बना देता है। लेकिन साइको के टेस्ट के दौरान आपको इतना वक्त नहीं मिलने वाला कि आप रिपीट कर करके चीज़ों को याद कर लीजिए। यानी रिपीटेशन का जो तरीका है जो मेमोरी प्रिंट को गहरा बनाता है, वो तरीका अब काम करने वाला नहीं है, क्योंकि अधिकांश जो टेस्ट लिए जाएंगे उसमें याद करने के लिए बहुत थोड़ा समय मिलेगा। प्रति प्रश्न 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, यही समय मिलने वाला है। और इस 9, 10, 12 सेकेंड में आप इतनी बार रिपीट नहीं कर लेंगे कि उसका मेमोरी प्रिंट गहरा बने और तुरंत आप रिकॉग्नाइज कर लें कि कौन सी तस्वीर आपने देखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीका हमारे रिपीटेशन का तरीका हमारे काम का नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमारे लाइफ में बार बार रिपीट नहीं होती है, होती हैं एक ही बार, लेकिन वो हमें ज़िंदगी भर याद रहती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी मॉल में गए हुए हैं और उस मॉल में पता चलता है कि महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर आए हुए हैं किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, और वो लोगों से हाथ मिला रहे हैं। आपको भी उन लोगों से हाथ मिलाने का मौका मिला, फ़ोटो खिंचाने का मौका मिला। अब ये घटना कि आपने सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी से हाथ मिलाया था, कितनी जल्दी भूल जाएंगे? स्वाभाविक रूप से आपका आंसर होगा कभी नहीं, ये परमानेंट आपको याद रहेगी। तो इस घटना में ऐसी क्या बात है जो आपको परमानेंट याद रहने वाली है? जबकि आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, कभी कभी अजनबियों के साथ भी मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ कब कहाँ हाथ मिलाए थे अब भूल जाते हैं। तो फिर महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर के साथ आपने हाथ मिलाया और ये ज़िंदगी भर क्यों याद रहने वाला है? तो इसका वजह यह है कि ये एक असामान्य घटना है, असाधारण घटना है, और हमारा दिमाग असाधारण, असामान्य, खास या विशेष बातों को याद कर लेता है और साधारण बातों को भूल जाता है। दिमाग के इस खूबसूरती को हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने मेमोरी को बेहतर करने के लिए और साइको टेस्ट में अच्छा करने के लिए। एक बात और, असाधारण या विशेष बात को हमारा दिमाग पकड़ लेता है, और असाधारण या विशेष बात हमारे लाइफ में एक ही बार घटती है कुछ ही समय के लिए, फिर भी हमारा दिमाग उसको पकड़ लेता है। अब सवाल ये उठता है कि चीज़ों को याद करने के लिए हम असाधारण या असामान्य कैसे बनाएं? तो असाधारण या असामान्य बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, हमें कल्पना शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, और कल्पना में हम कुछ भी कर सकते हैं। असाधारण असामान्य कैसे बनाएंगे वो कल्पना का सहारा लेकर, हम कल्पना शक्ति का प्रयोग करके करेंगे, और वो कैसे करेंगे बाद में मैं एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा तो बात और स्पष्ट होगी। लेकिन लिंक ये चीज़ बताने से पहले मैं एक थोड़ी सी एक बात और बताना चाहूँगा कि हम लोग चीज़ों को विशेषता के आधार पर या उसके स्पेशलिटी के आधार पर याद करते हैं, या कभी कभी चीज़ों को लिंक बनाकर भी याद करते हैं। लिंक बनाकर याद करने का मतलब हुआ कि एक चीज़ जो नोन है और दूसरा अननोन, दोनों के बीच में हम लोग लिंक बना देते हैं, और इसलिए वो चीज़ हमें परमानेंट या याद भी हो जाती है, नोन हो जाती है।
उदाहरण के लिए आपने बचपन में क ख ग घ या ABCD कैसे सीखा होगा, तो सबसे पहले आपको एक कबूतर का चित्र दिखाया जाता था और उसके बगल में क। कबूतर बच्चे के लिए नोन है, बच्चा कबूतर को पहचानता है, और ये अननोन है, ये उसको जानना है, इसको याद करना है, इसको लर्न करना है। अब कबूतर के चित्र के साथ जब क का लिंक बनाया जाता है, जैसे बच्चे को दिखाया जाता है कि क्या है कबूतर, और जैसे कबूतर बोलता है तो उसके मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है क, इसका मतलब क्या हुआ कि तुरंत वो लिंक बनाकर याद कर लेता है कि जैसे कबूतर बोलता है सबसे पहले उसके मुंह से निकलता है क, और इस क को वो पहचान जाता है। यानी क कैसे याद रहा उसको, कबूतर के द्वारा याद रहा, क से कबूतर। तो कबूतर बोला तो क देखा, कुछ दिन के बाद क्या होता है कि अब ये अननोन उसके लिए नोन हो गया और कबूतर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर वो क, आजकल तो आप क से कबूतर बोलते नहीं हैं, क आपको याद हो चुका है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि लिंक बनाकर भी हम चीज़ों को याद कर सकते हैं, और लिंक बनाने के लिए हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि लिंक असाधारण हो या असामान्य हो, अनोखा असंभव, ऐसा लिंक हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। यानी चीज़ों को याद करने के लिए हम लिंक का भी सहारा लेंगे और इसकी विशेषता को भी पकड़ेंगे।